तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ये एक्साइड गोल्ड की बैटरी ओरिजिनल है या फेक। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा और समझाऊंगा कि जो एक्साइड कंपनी की बैटरी है वो कई ब्रांड में आ रही है। कहीं आप एक्साइड की जो मैन्युफैक्चर है, वैसे डेनेक्स बैटरी है, एस एफ सोनी की बैटरी है, एक्साइड गोल्ड है, बॉस है, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्साइड जो कंपनी की बैटरी है वो कौन सी ले लेना चाहिए और कौन सी बैटरी जो है वो एक्साइड की ही तरह है, रेटों में कम है। दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मेरे पास जो बैटरी है वो एक्साइड कंपनी की गोल्ड कार की बैटरी है। मैं आपको दिखाऊंगा, रिव्यू करवाऊंगा अभी इस वीडियो में कि ये बैटरी ओरिजिनल है ये फेक है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आप एक्साइड की बैटरी लेना चाहते हो तो एक्साइड की जो बैटरी है उसका क्लेम थोड़ा सा लेट है, इसलिए मैं कहूँगा कि एक्साइड एक्सप्रेस लेने से अच्छा है जो एक्साइड गोल्ड ले लेना आप। तो एक्साइड जो गोल्ड बैटरी है उसका रेट भी कम है और बैटरी भी दमदार है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको क्लेम से लेके किसी भी चीज़ में। तो दोस्तों, ये जो बैटरी है मेरे पास वो एक्साइड गोल्ड कंपनी की बैटरी है, कार की बैटरी है, ठीक है। इसके जो बॉडी है वो सफ़ेद है, ठीक है, बहुत ही अच्छी, मतलब प्लास्टिक से जो बॉडी बनी हुई है इसकी मोटी मजबूत है और वजनदार बैटरी भी है। दोस्तों, अगर आप पुराने स्क्रैप में देखते हो तो भी आपकी लगभग बैटरी ये जो और बैटरियों के हिसाब से उतनी ही एज की बैटरी, किलो दो किलो बढ़ती होती है। दोस्तों, तो मैं पहले आपको वीडियो में दिखा दूँगा एक्साइड कंपनी की बैटरी मेरे पास आई है ये चार्जिंग के लिए। मैं आपको साफ साफ बताऊँ, मेरे पास जो आई है ये चार्जिंग के लिए, तो मैं आपको कुछ चार्जिंग की टिप्स भी समझा दूंगा। तो दोस्तों, जो बैटरी है एक्साइड गोल्ड कंपनी की बैटरी है मेरे पास जो है वो चार्जिंग के लिए आई थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ओरिजिनल है या फेक है। तो दोस्तों, ये जो बैटरी है जो मेरे पास आई है ये एक्साइड गोल्ड की ओरिजिनल बैटरी है, ठीक है, ब्रांडेड कंपनी की एक्साइड की गोल्ड की ओरिजिनल बैटरी है, क्योंकि इस पर जो है वो एक्साइड गुदा हुआ भी लिखा हुआ है मशीनों द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद मैं आपको कुछ दिखाता हूँ ये कितने एच की बैटरी है। तो ये दोस्तों, ये जो है 65 नंबर की बैटरी है, ठीक है, 65। अभी हम देखते हैं कितने एएच की बैटरी है। तो सबसे पहले इसमें जो है वो डाटे लगाई जाती हैं, ठीक है, डाटे लगाने के बाद ये जो है ये लगा दिया जाता है, ऊपर से हो जाता है लेवल। दोस्तों, अगर आपको कभी भी कोई चीज़ खोलने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले पेचकस से इसका ऊपर का ढक्कन हटा लेना, उसके बाद खोल लेना। दोस्तों, ये जो है वो 65 नंबर भी है और 65 एएच की बैटरी भी है, 18 मंथ की फ्री रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है आपको इस पर, एक्साइड की गोल्ड कार बैटरी, ठीक है, कार वाली बैटरी है दोस्तों। तो इसका जो वजन होता है लगभग 18 केजी के आसपास है, लेकिन अगर ये 600 वाट पर नहीं पैनल पे लगी है, ये कि पावर जोन की लगी हुई है, ठीक है। दूसरी ये एक्साइड गोल्ड बैटरी लगी हुई है, दोपहर तक चार्ज हो जाएंगी लगभग ये बैटरी दोनों। तो मैं आपकी ग्रिप्टी आपके दिखाता हूँ कितनी ग्रिप्टी है। दोस्तों, ये जो मीटर है, दोस्तों ये ग्रिप्टी मीटर नापने वाला ग्रिप्टी, देखते हैं इसकी ग्रिप्टी डाउन है चार्ज है, क्या दिखा रहा है। दोस्तों, ये जो है वो बैटरी को बिल्कुल डाउन दिखा रहा है, बिल्कुल डाउन दिखा रहा है, ठीक है। ये लगभग पूरा दिन में ही चार्ज हो पाएगी, ठीक है। बैटरी फुल चार्ज जब होती है वो यहाँ पे होती है 1250 पे, ठीक है। आप ये मीटर ले लेना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है घर पर इन्वर्टर चेक करने के लिए तो आप ये मीटर ले लेना। अगर आपका तेजाब जो है वो यहाँ पर जैसे फुल हमने भरा इसको, ठीक है, फुल भरने के बाद जहाँ पर ये पानी रुकता है वहाँ पर अगर 1250 होगा तो आपकी बैटरी फुल चार्ज होगी। दोस्तों, अगर ये बैटरी है ओरिजिनल, ठीक है, आप ले सकते हो एक्साइड गोल्ड की कार की बैटरी या बड़ी बैटरी या छोटी बैटरी या ट्रैक्टर की बैटरी आराम से ले सकते हो। दोस्तों, मैन्युफैक्चर एक ही है, कंपनी एक ही है, एक्साइड ही। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो लेके आता रहता हूँ।